नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, एक फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा है कि 42 फीट चौड़े और 380 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में कितने चिक्स डाल सकते हैं और उसमें कितनी निप्पल्स लाइन लगेगी और कितने दाने की लाइन लगेगी। तो दोस्तों, ये पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम रहेगा, आप इसके ऊपर हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। दोस्तों, फार्म की लंबाई है 42 फीट, चौड़ाई है 380 फीट। हमने दोनों का गुणा किया तो टोटल हुआ हमारा 15,960 स्क्वायर फीट टोटल हमारा एरिया हुआ। अब इसमें चूंकि अब इतना बड़ा अगर फार्म अगर बना रहे हैं तो वो इसी पोल्ट्री फार्म ही बनाएंगे, तो इसी पोल्ट्री फार्म में हम जो है 0.75 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से चिक्स प्लेस करते हैं। तो टोटल इस फार्म में डालेंगे 21,280 बर्ड जो है हम इस फार्म में आसानी से डाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम IB कंपनी की अगर तुलना करें तो यहाँ पे हम 0.65 के हिसाब से भी चिक्स प्लेस कर सकते हैं। कंपनियाँ करती भी है, IB कंपनी तो करती भी है, दूसरी कंपनियों का मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। 21,280 बर्ड जो है इस फार्म में डाल सकते हैं। अब दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न ये है कि इस 21,000 बर्ड के लिए हमें सफिशियंट दाने और पानी के बर्तनों की व्यवस्था करना है। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ऑटो जो फीडर जो रहता है, पेन फीडर जो रहता है, उसमें 50 बर्ड जो है आसानी से एक फीडर के ऊपर दाना आसानी से खा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 21,280 में 50 से अगर भाग कर देंगे तो टोटल हमारे फीडर की संख्या निकल के आ जाएगी 425। मतलब कि इस 15,960 वर्ग फीट के फार्म में हम 425 फीडर लगा देंगे तो हमारे 21,280 बर्ड जो है आसानी से दाना खा पाएंगे। अब दोस्तों, अब हम ये लाइन जो है लाइनों की संख्या किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, हम इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार में जानकारी देते हैं। दोस्तों, 42 फीट चौड़े 380 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में हम फीडर की गणना जो है हमने कर लिया कि हमें 425 फीडर टोटल लगेंगे। अब हम ये देखेंगे कि फीडर की लाइन हमें कितनी डालनी पड़ेगी। दोस्तों, अब चूंकि फार्म का जो बनावट को जिस प्रकार से रहेगी 42 फीट चौड़ी और 380 फीट लंबा, किंतु ऐसा तो नहीं है कि पूरे 380 फीट जो लास्ट तक हमें जो है दाना डालने की जरूरत पड़ेगी। हम क्या है, 5 फीट इधर से छूट जाएगा हमारा दाना डालने में क्योंकि यहाँ पे हापड़ लगेगा, 5 फीट इधर छूट जाएगा हमारा क्योंकि हमारे यहाँ पे मोटर लगेगी। चूंकि क्या होता है, बर्ड जो अगर मान लो रहेगा अभी तो वो 5 फीट जाके आसानी से दाना खा सकता है, तो यहाँ पे हमारी मोटर लगेगी, यहाँ पे हमारी मान लीजिए हापर लग रहा है। तो दोस्तों, 10 फीट जो है हमारी जो जगह कुछ इस प्रकार से छूट जाएगी। अब हम देखेंगे कि 10 फीट तो हमारी जगह छूट गई तो हमारे पास में बची कितनी, 370 फीट जगह। अब चूंकि दो जो पेन फीडर जो आते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है 3.3 फीट होती है, मतलब कि 1 मीटर के आसपास जो है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होती है दो पेन फीडरों के बीच में। जैसे मान लीजिए ये जो दो फीडर दिख रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी, 3 फीट रखी है, तो वैसी जो है एक स्टैंडर्ड जो उनका जो आता है वो दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर होती है। तो हम 370 में 3.3 से अगर हम भाग करते हैं तो टोटल 112 फीडर निकल के आ जाएंगे। मतलब कि एक लाइन में टोटल जो है 370 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में 112 फीडर टोटल लगेंगे, पेन फीडर की हम बात कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमें जो टोटल फीडर कितने चाहिए, 425 हमें जो टोटल फीडर लगाने हैं पोल्ट्री फार्म में, तब जो है हमारे बर्ड सफिशियंट दाना खा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 112 में 4 का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के जाएगा 448। मतलब कि इस पोल्ट्री फार्म में अगर हम दाने की 4 लाइन लगा देंगे तो हमारे इसमें 448 दाना के बर्तनों की संख्या हो जाएगी। अब हमें चाहिए थी कितनी, 425। मतलब कि आसानी से हमारे फार्म में जो बच्चे 21,280 बर्ड जो डर लेंगे वो आसानी से दाना खा पी पाएंगे। हमने जो टोटल 50 बर्ड के हिसाब से निकाला था, अब अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 45 बर्ड के हिसाब से कि एक फीडर के ऊपर 45 बर्ड आएंगे, जो कि सफिशियंट है इसी पोल्ट्री फार्मिंग में आसानी से दाना खा सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया हमारे फीडिंग लाइन की समस्या दूर हो गई कि हमें जो है 4 लाइन अगर हम फीडिंग लाइन की लगा देंगे तो हमारा जो है दाने का काम हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमें अगर पानी की, क्योंकि अब हमें पानी की लाइन की भी आवश्यकता है, और कितनी निप्पल्स लगेगी 21,280 बर्ड में, हम क्या करेंगे 11 से भाग कर देंगे। ये मैंने आपको बताया था कि एक निप्पल के ऊपर जो है 11 बर्ड आसानी से पानी पी सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होती। तो हम क्या करेंगे 21,280 में 11 का भाग कर देंगे, टोटल निकल के जो हमारे निप्पलों की संख्या निकल के आ गई 1934। मतलब इस पोल्ट्री फार्म में 1934 टोटल निप्पल लगेगी। अब उसमें हम क्या करेंगे, चूंकि ये इन दोनों जो स्क्वायर पाइप में ये जो दिख रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 इंच भी आती है, IB कंपनी जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 8 इंच रखती है। मयूरा इंडस्ट्री में जहाँ से मैंने निप्पल और ड्रिंकर सिस्टम परचेज़ किया वहाँ पे 2 निप्पलों के बीच में पहले 8 इंच आती थी, अब जो है कंपनी ने उसको 1 फीट की डिस्टेंस कर दिया। चूँकि 1 फीट की डिस्टेंस पे भी मेरे फार्म में लगे हुए हैं और पानी की मुझे उसमें भी कोई समस्या नहीं आई, तो मैंने फिर जितने भी फार्म हैं और जो मैंने आगे जो रिकमेंड किए जो है सभी 1 फीट की डिस्टेंस वाले ही निप्पल मैंने रिकमेंड किए। तो दोस्तों,
अगर दो निप्पलों के बीच की डिस्टेंस अगर एक फीट अगर हम माने तो हमारे टोटल इसमें भी ऐसा कैसा ही रहेगा कि 370 फीट हमारा लंबा फार्म रहेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल 370 निप्पल लगेगी, मतलब एक लाइन में 370 फीट लंबा है, दो 370 निप्पल लगेगी। तो हम क्या करेंगे, 1934 में 370 का भाग करेंगे तो 5.22, मतलब कि यह है पांच लाइन के बराबर। 5.22 को हटा दो क्योंकि इसमें कुछ से कुछ बर्ड मोर्टलिटी भी तो होगी, ऐसा नहीं कि 11 ही बर्ड पानी पिएंगे, इसमें से कुछ परसेंट मोर्टलिटी हो जाएगी तो वो एग्जैक्ट हमारा फिगर निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों मतलब कि हमें लगने वाले निप्पलों की जो संख्या है वो भी हमें पता चल गया कि पाँच हमें टोटल लगने वाले निप्पल है 1934, और निप्पलों की लाइन की जो संख्या है वो भी हमें पता चल गया कि पाँच निप्पल लाइन हमें लगेगी। तो दोस्तों 42 फीट चौड़े और 380 फीट लंबे पोल्ट्री फार्म में चार लाइन हमें दाने की लगेगी जिसमें टोटल 448 फीटर हो जाएंगे, और पांच लाइन जो है हमें पानी की लगेगी जिसमें 1934 टोटल निप्पल हो जाएगी। अब दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो अगर हमारे दाने की लाइन की अगर दो है तो हमें पानी की लाइन लगेगी तीन, अगर हमें पानी की लाइन अगर तीन है, दाने की लाइन अगर हमारी तीन है तो हमें पानी की लाइन लगेगी चार। दोस्तों कुछ इस प्रकार से लगेगी, दोस्तों कुछ इस प्रकार से निप्पल और दाने की लाइन लगेगी। दोस्तों यहाँ पे निप्पल लाइन या फीडिंग लाइन, यहाँ निप्पल लाइन, यहाँ फीडिंग लाइन, यहाँ निप्पल लाइन, यहाँ फीडिंग लाइन, यहाँ निप्पल लाइन। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे फार्म में हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा दाने और पानी की लाइन का क्लियर हो गया। अब दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें हम कितने एग्जॉस्ट फैन और कितने कूलिंग पैड हमें लगेंगे। तो दोस्तों